वन टाइम आई वॉज शूटिंग फॉर एन एड फिल्म और आज के बहुत वन ऑफ द सुपर स्टार्स हैं उनमें से शॉर्ट वे ही प्लेज माई हस्बैंड वो जो है uh, मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं और वो गिफ्ट मुझे बस ऐसे उठा के यहाँ पहन के खुश होना है कि वाह मेरे हस्बैंड मेरे लिए ले गिफ्ट लेके आए उन्होंने कुछ डायरेक्टर को जाके बोला नहीं नहीं ऐसे तो बहुत सूखा सूखा लग रहा है मतलब वो उसको गले लगाना चाहिए फील दैट गिन

आई नाव नो वट आई लाइक टू माई हस्बेंड आई डोंट थिंक दैट हम एक किस्म के इंसान हैं हमारे में हर क्वालिटी होती है 100 आप मुझे सीधी साधी लड़की भी पाओगे आप मुझे हॉट बॉम्बल भी पाओगे आप मुझे बबली एक्सट्रोवर्ड you know, भी पाओगे आप मुझे बहुत क्यूट सी सबमिस भी पाओगे इट डिपेंड्स ऑन वेयर आई एम विध हुई लाइक टू बी ऑन ट्रेडमिल एक्ट्रेस हैं हमारी बॉलीवुड की वो आके मुझे बोलती हैं शमाई शाम बताओ तुम्हारा नाक किसने बनाया तो मैं भाग रही हूँ हाफ रही हूँ और मैंने कहा क्या मैं मैं रुक गई मैंने कहा आपने क्या पूछा मुझे आई लाइक आई शुड गिव माय पेरेंट्स नंबर है

और सेकेंडली हमारे पूरे जनरेशन में आई थिंक चार साल से चार डेकेट से कोई लड़की नहीं थी oh. तो मैं पहली लड़की पैदा हुई थी चार डेकेट में कैसा था उसके बाद का रिएक्शन लोगों का तो बड़ा मजा आया क्योंकि मेरे दादाजी ने बड़ी मिन्नतें करी थी कि मेरे बेटे को पहले बेटी हो अच्छा? बिकॉज उनके भी तीन बेटे थे तो जब इमरतियां बटवाईं मेरे दादाजी ने सब जगह तो सबको लगा बेटा हुआ है बेटा हुआ कहते नहीं हमारे यहाँ बेटी हुई है तो सब लोग कह रहे हैं बेटियों ने कौन इमरती है यार टू योर फैमिली फॉर द आई नो एंड ही इज लाइक भाई हमारे तो बेटी हुई है और हमें बड़ा जश्न है तो आप भी जश्न मनाइए बनाइए so, सबको इमरतियाँ मिली मेरे उस पर सो फ्रॉम द बिगिनिंग मेरे घर में ना लड़कियों को हमेशा ऐसे रख, रखा गया जैसे जैसे मैं बड़ी हुई जैसे जैसे मैंने ऐसी ऐसी बातें बोलनी शुरू करी जो बहुत बड़ो बड़े लोगों को अनकम्फर्टेबल करती थी तो फिर वो सब बोलते हैं कि अरे बच्ची है इसको बंद कराओ इसका मुंह इसको क्या पता है क्या बोल रही है उदाहरण मेरी दूर की फैमिली में एक संभड़ी अ सेक्स वर्कर तो आई हैड नो आइडिया व्हाट अ सेक्स वर्कर इज बट आई डिड नॉट लाइक देम स्पीकिंग सो लो ऑफ अयूमन बींगू अ वूमन एंड आई जस्ट गॉट अप

बहुत टैलेंटेड भी है तो मैं चाहूँगा कि आप सो एंड डायरेक्टर से मिलें उनके ऑफिस में आके तो माई डैड एंड मी रीच हम पहुँच गए ऑफिस में तो उन्होंने बाहर जैसे हम बैठे थे उन्होंने डैड से कहा कि मैं आप ना सिकंदर भाई आप अंदर मत जाइए तो माई डैड इज़ लाइक मेरी बेटी बहुत छोटी है लेकिन you know, उसको तो बात भी करने इतना नहीं आता है इसे नहीं नहीं बट वो एक्टर है ना लेट द डायरेक्टर एंड एक्टर टॉक विथ अदर बिकॉज एक्टिंग तो करेगी तो उसने कुछ इस तरह से बोला कि डैड मना भी नहीं कर पाए तो डैड बेटा कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है आई एम राइट हेयर सो ऐसे ही नीचे वो बैठे थे आई आइए बैठे यहाँ पे तो पहले मैं थोड़ा वहाँ बैठी तो अरे वहाँ इतनी दूर नहीं है थोड़ा नज़ीक आके बैठोज एंड बात करतेट एज आई डिंट नो वॉट दैट मीन बट इट फेल्टोंग एंड इट फेल्स शॉक की क्या हो गया You know, and he's like rubbing his hand on my thigh, and I was like, okay, this is not right. This is not something. So by the time it all came into my mind in, in, in to understand that this is suddenly I just got angry, and because I was a very, <laughs> very vocal human, vocal human, I just. यू you नो know, मैंने उनका हाथ जोर से फेंक दिया ही एंड इज लाइक ये क्या कर रही हो तुम ऐसे ये आप क्या कर रहे, है? so, he's like, रहे हैं तो ही इज लाइक अगर ऐसे तुम्हारे तेवर रहे तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा इस, इस इंडस्ट्री में और मैंने अभी भी, भी शुरुआत की है बताओ मतलब मेरी पहली मीटिंग है और मेरे को ऐसा बोल रहा है कि कुछ नहीं होगा तुम्हारा मैं नहीं तो हीरो नहीं तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कहीं ना कहीं तो कुछ करना पड़ेगा तुम्हें तो मैं ऐसे गुस्से में तिल मिला के उठी मैं पहले तो मैं दरवाजे के पास गई मैंने कहा मुझे आपसे बात नहीं करनी है मैं मैं फिर टर्न किया वहाँ से मैंने कहा एक दिन मैं अपने टैलेंट के बलबूते पे ना सब बन के दिखाऊंगी और आप देखोगे उस दिन को आई जस्ट स्मैश स्मैश द द द डोर एंड आई आई माय डैड कुड अंडरस्टैंड बिकॉज़ वे डोर मैंने डैड को बोला मुझे नहीं करना ये काम ये बड़े गंदे लोग हैं बेकार हैं ये वो एंड डैड गॉड ब्लेसिम ही इज़ वन पर्सन जो मतलब उस दिन उन्होंने बोला बेटा हार नहीं माननी है। कोई आप उसने आपको हाथ लगाया आपने आपने उसे हाथ लगाने दिया ऐसे नहीं तो इसे आप पे डिपेंड करता है दुनिया तो जैसी है वैसी रहेगी आपको लेके चलना है आप कैसे अपनी ज़िंदगी चाहते हैं वन टाइम आई वॉज शूटिंग फॉर एन एड फिल्म और आज के बहुत वन ऑफ द सुपर स्टार हैं उनमें से शॉर्ट व ही प्लेज माई हजबेंड एंड ही इज वो जो है um, मेरे लिए कोई गिफ्ट लेके आते हैं और वो गिफ्ट मुझे बस ऐसे उठा के यहाँ पहन के खुश होना है कि वाह मेरे हस्बैंड मेरे लिए गिफ्ट लेके आए उन्होंने कुछ डायरेक्टर को जाके बोला नहीं नहीं ऐसे तो बहुत सूखा सूखा लग रहा है मतलब वो उसको गले लगाना चाहिए वो उसको मतलब ऐसे जगड़ना चाहिए उसके बाद में मतलब वो उसको हार पहनाना चाहिए मैंने कहा ठीक है चलो हस्बैंड है यू नो ही मी आई स्टिल फील दैट गिन इट वॉज सो अनकंफर्टेबल द वे ही रब माई बैक it was so uncomfortable and i was like this guy is a superstar he doesn't need to do this and then in every shot he was trying to make sure that you know i was close to him i remember after backing up i, I just felt like i felt used he wasn't even sorry about that he wasn't even like it was like there was no kissine usko notice kiya and because I'm a woman, I understand and I, I, I know, you know, you instinctively, you, yeah, you, you understand all that. Yeah, when I was uh, very, very small, I think I had gone to, uh, gone with my dance troupe for some shoot in Khajrao. And on the way back, I was, I was sleeping, and then I, I feel a hand.

सो पहले जब मुझे मुझे पीरियड आए तो मुझे बहुत इतना मतलब आया आई डेंट नो वट वॉज हैपनिंग कि ये क्या है बिकॉज कभी किसी ने बोला ही नहीं पीरियड्स के बारे में कभी किसी ने बात ही नहीं करी सो आई जस्ट वेंट एंड आई टोल्ड माई मदर आई मम्मी आई 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 थिंक एम डाइंग मॉम बेटा हैपेंड बॉडी इज ब्लीडिंग आई एम डाइंग मॉम उनको घंटी बजी इज लाइक हाँ नहीं बेटा शो मी शो मी सो आई आई शोर टू आई लाइक ओ नो नो आप मरोगे नहीं ये इसको बोलते हैं मम्मी ने भी मतलब बेचारी वो भी इतनी एजुकेटेड नहीं है उन्होंने भी अपनी देसी भाषा में बोला कि अच्छा अच्छा कपड़ा कपड़ा लगा लो कपड़ा लगा लो उस वक्त तो कपड़े होते थे सैनिटरी पैड्स तो होते नहीं थे तो लाइक आई लाइक पीरियड है सो वेन एवरीबडी डराउंडो अंडरस्टैंड इन यूर माइंड कि शायद कुछ गड़बड़ी है ये मतलब है, इतना भी क्या है अच्छा आप किसी के भी घर में चले जाओ आपको किचन में नहीं आने देंगे हाथ नहीं लगाने देते दे थे और राजस्थान में ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं बिकॉज आई आई है बिन माई चाइल्ड हुड आई हैड माई पीरियड ओव दै तो मैंने ये बहुत देखा है वहाँ पर फिर बॉम्बे में थोड़ा कम है खरबंधा के कारण मैं आजकल अपने बैग में एक सैनिटरी नैपकिन कैरी करता हूँ सच क्योंकि वाई नॉट

आपके दिमाग में वो शब्द आपकी पूरी जिंदगी बदल देता है एक शब्द सुनने की जरूरत है एक एक सेंटेंस सुनने की जरूरत yeah, right. है हम must, अगर ही नहीं कर पाएंगे, तो क्या ही करेंगे कमरे में? बोल रही हैं। कुछ नहीं मतलब, कर पाएंगे चालीस like साल की उम्र में शादी की और उसपे बड़े दुनिया भर से रिश्तों में स्पेशली मेरे लिए रिश्ते मजाक नहीं है तो मैं किसी से रिश्ता ऐसे ही नहीं बनाती मैं किसी को ऐसे नहीं बोलूँगी मेरा भाई है मेरी बहन ऐसे आई कांट डू दैट आई रियली हैव टू फील इट विद इन मी कि मैं इस बंदे के साथ खड़ी रह सकती हूँ कल को जब इसका बुरा वक्त आएगा तो ही मैं इसे अपना दोस्त बना सकती हूँ ऑल बी वेरी जेन्युन सो so, शादी तो बहुत बड़ी बात है मतलब आप अपनी जिंदगी किसी के हवाले कर रहे हैं और आजकल तो शादियों को मतलब ऐसे ले लिया आज शादी कल तलाक कब आपने ये फिगर आउट किया कि ये मुझे पसंद है How you discussing it with your partner? यार आई थिंक आई नाउ नो वट आई लाइक क्योंकि मुझे सब पूछते थे आपकी क्या टाइप क्या है हाँ. तो मैं टाइप भी होती है लोगों की वो एक है सेटिंग में बिठाते हैं हाँ, है मैं, मैं like हम है। हमारे में हर क्वालिटी होती है 100 आप मुझे हॉट बॉम्बेल भी पाओगे आप मुझे भी पाओगे आप मुझे you know, extrovert, extrovert भी पाओगे ऑन वेर आई एम विद हम कुछ भी टॉपिक पर बात कर सकते हैं हम दोनों के बात करने का तरीका भी बहुत कॉन्वर्सेशनल है मुझे लगता है कि अगर आप किसी चिल्ला के या किसी से को ब्लेम करके जब बात करते हैं या उस बात करना कहते हैं तो वो गलत है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना मैं मैं बहुत अच्छे से सलीके से भी रख सकती हूँ और बहुत लड़ लड़ के भी रख सकती हूँ या चिल्ला चिल्ला के भी रख सकती हूँ दो अलग अलग तरीके हैं

कोई आप फिर इतने दुखी होते घूमेंगे गुमें, नहीं आ, ये बताओ फिर क्या होता है कि आपका काम भी ऐसा रहा लास्ट फ्यू कई लोग वही आपकी लेके चलने लग जाते हैं कि आप वैसी होंगी पर यार मेरे को बड़ा अजीब लगता है मेरे को लगता है कि यार जब मैंने ये मेरी लाइफ में करी थी तो लोगों को लगता था तो गर्ल नेक्स्ट डोर है बस अब ये तो मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता सीआईडी लगता हाँ मतलब जासूस बन गए

आई फेल्टुड मई पेरेंट्स नंबर है इन्होंने बनाया मेरा नाक कोई सवाल होता है मेरा नाक किसने बनाया

नाक नक्श तुम्हारी बॉडी वगैरह सब फिल्मों के लिए yeah, बनी है आईज आल्सो ब्यूटीफुल हां मतलब ठीक है ब्यूटीफुल थैंक यू वेरी मच देयर आर इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वो है बट आई एम सेइंग लाइक मैंने कभी अपने आप को ऐसे ढांचे में नहीं देखा ना तो मुझे पता है मैं सुंदर हूं या मुझे कोई दूसरा भी सुंदर लगता है बट उसके ऐसे ढांचे या कोई एक एक तरह का फेस ऐसा आ, होना चाहिए वो नहीं वो नहीं था मेरे दिमाग में यू नो यू हैव बीन आउट ऑफ डिप्रेशन एंड यू हैड यू वर आल्सो डायग्नोस्ड बाइपोलर कूडोस टू योर पार्टनर टू हैव पिलर स्ट्रेंथ uh, जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी पहले तो मुझे पता ही नहीं था बाइपोलर डिसऑर्डर और डिप्रेशन होता क्या है मतलब अच्छा दुखी है ओके okay. दुख या सुख hmm. उसके अलावा डिप्रेशन क्या होता है पता ही नहीं था yes. बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी मैं बहुत ज्यादा मतलब हर दिन दुख रहता था मुझे और ऐसा दुख रहता था, था जैसे कोई मर गया है मेरा तो वो ग्रीफ रहती थी दुख से ज्यादा जब आप हर दिन ऐसे उठते हैं और आपको कोई पता नहीं होता आपको कहाँ जाना है क्या करना है कोई डायरेक्शन नहीं होती लाइफ में कोई पैशन नहीं होती कोई डिजायर नहीं होता कुछ करने का कुछ दोस्तों से हाँ, मिलने अच्छा का अच्छा बैठ से निकलने की इच्छा नहीं करती आपकी आप कुछ अच्छा बोलना चाहते हैं बोल नहीं पाते हैं मतलब सब कुछ ऐसा लगता है कि आप कहीं काले कुएं में फंस गए हैं और आप चिल्ला रहे हैं हेल्प के लिए और कोई सुन नहीं रहे जस्ट कमिंग आउट ऑफ दैट हैज

कि अपनी सेल्फ को अगर एक मैसेज देना चाहती है और वो कैमरा आपका तो क्या होता तो मैं अपने आप को यही कहूँगी कि कभी डाउट मत करना तुम अपने आप पे मतलब तुम सच में बहुत अलग हो और बहुत यूनिक हो और अपना जो तुम्हारा जो यूनिकनेस है ना उसे बस डटे रहना उस उसमें अगर कोई तुम्हें यहाँ वहाँ भटकाए तो भटकने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है ये बताओ ग्रीन फ्लैग्स आपके हिसाब से क्या है मर्द के काइंडनेस बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है मतलब अच्छा लिसनर होना बहुत बड़ा ग्रीन फ्लैग है और सेवा भाव होना

बट नो इट क्रिएट बिग ड्रामा ऑनमन माइंड कैसा लगा आपको बात करके बहुत मजा आया मजा आया ना लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू हॉटर फ्लाई एंड लेट अस नो व्हाट यू थॉट अबाउट इट थैंक यू थैंक यू अच्छा इसलिए